सेकेंड नंबर पर देखिए हम लोग ले लेते हैं कि माना ए 2.1, बी 1.3 तथा सी 0.5, तीन बिंदुएं हैं। तो ये तीन बिंदु हैं, तो यहां से हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल देखते हैं। अगर अगर क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो संरेख हो जाएंगे ये तीनों बिंदु, है ना जी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? एक को x1 y1 सपोज करो, दूसरे को आप x2 y2 और तीसरे को आप x3 y3, और इस फॉर्मूले पे लगा दो ऊपर वाले पे। 1 by 2, x1 की जगह है 2 y2 minus y3, यानी कि 3 minus का 5। x2 है 1 y3 minus y1, फिर x3 है आपके पास 0 और y1 minus y2, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। 1 by 2, 2 गुना में माइनस का 2, 1 गुना में 4 और यहाँ पर 0 गुना में माइनस का 2। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है। यहाँ हो जाएगा 1/2 -4 + 4 = 0। तो 0 आ जाएगा कि नहीं, 1/2 × 0 यानी कि 0 आ जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि बिंदु 2.1, यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु है 2.1, 1.3 तथा 0.5 संरेख है, ठीक है ना। संरेख दिखाना था, हमने संरेख दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट।